हेलो भाई, आज हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वो बेसिकली पीएफ सेंस डैशबोर्ड है, और पीएफ सेंस को बनाने के लिए मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, और इसकी इसको कितने सीपीयूज और कितने जो है कोर की ज़रूरत, सीपीयू वर्चुअल कोर की ज़रूरत पड़ती है, और इसका एडिशन हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं जो कि स्टेबल हो, जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम यूज़ कर सकें। आज हम इसके ऊपर देखते हैं और इसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको ये सब चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद एक स्टेबल जो है पीएफएस यूज़ करते हैं। तो हम चलते हैं इस पर, स्क्रीन शॉट मैंने लिए हुई है प्रोडक्शन से, तो इसको हम देखते हैं कैसे किस तरह से ये है। बेसिकली इसके अंदर अगर हम एडिशन देखें तो ये 2.1.5 रिलीज है और AMD 64, और FreeBSD 8.3 रिलीजेज है, और इसके अंदर जो CPU वर्चुअल यूज़ हुए हुए हैं वो बेसिकली ये आपके सामने है, 2 CPU और 2 packages के अंदर वो 1 core के साथ इसको यूज़ किया हुआ है। और इसमें अप टाइम, इसकी स्टेबिलिटी को देखें कि 60 days 20 hours 21 minutes 27 seconds, तो इतना टाइम से ये स्टेबल है और इस वक्त अप टाइम है इसका जो कि ये चल रही है कंटिन्यूसली। और इसका करंट डेट और वो तो आप देख रहे हैं, इतनी स्टेबल और बेहतरीन जो है पीएफएस फायरवॉल है जो कि प्रोडक्शन में इतने टाइम से चल रही है। ये उसका एडिशन है जिस जो आपके सामने इस वक्त अवेलेबल है, और इसके अंदर जो इंटरफेसेस हैं जो कि इंटरफेसेस लैन वैन और P2P कनेक्टिविटी और फेलओवर्स वगैरह जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके अंदर चल रही है, यानी कि इस पीएफएस पे इस वक्त करंटली लोड है, इस वक्त ये प्रोडक्शन में चल रही है और इसके ऊपर लोड है, और ये रनिंग एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट में चल रही है। और उसके बाद आप देखें तो इसके अंदर जो एक अप टाइम है वो स्टेबल फायरवॉल को जितना होना चाहिए वो है, तो इतने टाइम से ये स्टेबल है। हम फर्दर अगर आगे देखते हैं तो इसमें जो है करंट टाइम ये आ रहा है, और DNS की एंट्रीज जो हमने इसके अंदर डाली हुई हैं या रखी हुई हैं वो ये रखी हुई है, और उसके बाद आप इसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी देख सकते हैं कि लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इसको इसकी कब हुई थी, और उसके बाद स्टेबल स्टेट टेबल साइज क्या है, और इसकी लोड एवरेज वो क्या है, CPU कितना यूज़ हो रहा है, कितनी कंजप्शन इसकी है, और स्विप यूजेज क्या है, डिस्क यूजेज क्या है, ये तमाम डिटेल आपको डैशबोर्ड पे ही सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। डैशबोर्ड में अगर हम देखें तो डैशबोर्ड के अंदर एक कुछ और फीचर्स भी हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने सिर्फ इंटरफेस इसमें किया हुआ है, इनेबल किया हुआ है डैशबोर्ड पे, और अगर हम चाहें तो अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें और भी फीचर्स लेकर आ सकते हैं। अगर किसी की मॉनिटरिंग हमने एक्टिवली मॉनिटरिंग करना है किसी भी टूल को, तो उसमें हम ये सारी लेके आ सकते हैं, जैसे कि अगर हमने ग्राफिक ट्रैफिक ग्राफ को अगर लेके आना है तो हम ट्रैफिक ग्राफ को लेके आए, वो तमाम इंटरफेस जो यहाँ जो जिस पे हम मॉनिटरिंग करना चाहें तो उसको देख सकते हैं हम, उसकी पूरी मॉनिटरिंग वगैरह हम डैशबोर्ड पे ही देख सकते हैं कि किस इंटरफेस से कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है, और जो एक्टिविटीज़ करंट आपको शो हो रही होगी ट्रैफिक ग्राफ के हवाले से, तो वो आप डैशबोर्ड पे भी मेंटेन कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे भी उसको मॉनिटरिंग को लगा सकते हैं, अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह से और भी फीचर्स हैं, जैसे ये जो जितने भी फीचर्स हैं, DNS स्टेटस वगैरह है, गेटवे है, या इंटरफेस है, IP से है कि अगर आपके कोई सेशन चल रहे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं, लोड बैलेंसर का स्टेटस भी आप इसमें देख सकते हैं, फायरवॉल लॉग्स, लॉग्स का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे आप इनेबल करके यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इसको हम फर्दर अलग से एक उसका होगा, हम अलग से उसकी वीडियो रखेंगे। बाकी भी जितने भी टूल्स हैं जो कि आप अगर डैशबोर्ड से उसको मॉनिटर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये फीचर आपको वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप कभी आपको महसूस हो गया इसकी ज़रूरत नहीं रही है तो उसको आप फौरी तौर पे उसको हटा भी सकते हैं, जब आपको ज़रूरत नहीं होती तो आप वहाँ हटा सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो कि आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आप उसको वहाँ पर रख भी सकते हैं।
तो ये डैशबोर्ड के अंदर ही आप अपना कस्टमाइज डैशबोर्ड बना सकते हैं।